हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्र अध्यापक लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य अकेडमी परिवार की तरफ से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार यूट्यूब पे ऐड हो रहे हों तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमें आपको फर्दर आपको जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे। मैं सुमित सर, मनोविज्ञान के लिए आपको जो हमारी अब की बार एस्टेट सीरीज स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज नंबर स्टार्ट हुई है, हम इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य अकेडमी परिवार में मेरा एक सहयोग जो है वो एकदम से निःशुल्क है। मैं निःशुल्क रूप से यहाँ पर सहयोग दे रहा हूँ। मेरे द्वारा दिया गया सहयोग सिर्फ और सिर्फ छात्र हित में संपूर्ण रूप से है, और इस सहयोग के प्रति मेरी यही भावना है कि मैं जितने से ज़्यादा लोगों का की मदद कर सकूं, आज मैं मदद कर पाऊं, और इसलिए मैं आपको मनोविज्ञान के जो प्रश्न इसमें हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। हाँ, सॉल्व कराने के लिए कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक आपसे सॉल्व भी करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। इसमें जो टेस्ट सीरीज हुई थी इसमें क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है कि 61 से स्टार्टिंग थी हमारे मनोविज्ञान की, क्योंकि आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जीवन कौशल प्रबंधन से होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल बाल मनोविज्ञान से और शिक्षण विधियों से होते हैं। अभी हम लोग पेपर का फॉर्मेट जो बना रहे हैं वो जनरल बना रहे हैं। नेक्स्ट पेपर सीरीज से आपको वो चीज़ें क्लेरिफाई अलग से मिलेंगी कि कौन सा क्वेश्चन जीवन कौशल प्रबंधन से है, कौन सा टॉपिक किससे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। पहला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो है हरलाक का। हरलाक के अनुसार हर व्यक्ति में मानसिक योग्यताएँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? फिर से सुनिएगा, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कहता है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ठीक है। दूसरा, वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं, और बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचार किए विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर इन चारों की बात करें तो अधिगम और परिपक्वता को दोनों को संबंध की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैच्योरिटी लेवल की ही बात करें, देखिए ऑप्शन तो चारों अपने आप पे सही लगते हैं, लेकिन हमें ये देखना रहता है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। तो ये कह रहा है कि अधिगम का और परिपक्वता का संबंध कौन सी बात कर रहा है? मानव विकास का संबंध केवल परिपक्वता से नहीं होता, कि कोई जरूरी है कि आप मैच्योर होंगे तभी आपका विकास माना जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नलिखित या निम्नांकित या निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता। ये ऑप्शन अपने आप में ये कथन सही है, लेकिन इसका मतलब ये कह रहा है कि मानव का विकास केवल परिपक्वता से संबंध नहीं है, मतलब अधिगम और विकास का संबंध जो है वो सिर्फ अधिगम का संबंध परिपक्वता से नहीं है, संपूर्ण रूप से अधिगम करने की प्रक्रिया आपको जीवन पर्यंत मिलती रहती है। तो अधिगम परिपक्वता का संबंध कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। दूसरा ऑप्शन कई लोग मानेंगे कि सही होगा कि वंशानुगम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण होता है, तो ये भी बहुत सही नहीं है। यहाँ बालक विकास की दृष्टि से जब सीखना चाहे तब तैयार नहीं, सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए रुचि होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो सबसे सही है, तो अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो पहला वाला ऑप्शन होगा, समाजीकरण है। समाजीकरण किसे कहते हैं भाई? तो सबसे बड़ी बात है कि समाजीकरण किसे बोलते हैं? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो कोई भी इसके साथ आंसर देगा सी ऑप्शन, कि मानव समाज में मानव दंडों के साथ अनुकूलन। तो 63 का सी वाला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है जीन पियाजे के आधार पे है। जीन पियाजे के बारे में आप जानते हैं, जीन पियाजे ने बोला है कि ती चार स्टेजेस के बारे में बताया है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, अनुभव की बात कर दिया, तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाता है वो आपका सात से बारह होता है। मूर्त अवस्था आप जानते ही हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला, छात्र की विद्यालय उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? स्वप्रत्यय बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा पर, रुचि बुद्धि अभिप्रेरणा पर, अभियोग्यता बुद्धि अभिप्रेरणा और जाति पर, रुचि बुद्धि शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा पर। अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो रुचि बुद्धि अभिप्रेरणा तो सही था बी वाले ऑप्शन में, लेकिन लिंग जोड़ दिया तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, अभियोग्यता बुद्धि अभिप्रेरणा जाति जोड़ दिया इसलिए गलत हो गया। चौथे वाले ऑप्शन में रुचि बुद्धि अभिप्रेरणा सही था लेकिन शारीरिक बनावट जोड़ दिया इसलिए गलत हो गया। तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, जिसमें स्वप्रत्यय मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा, तो 65 का क्वेश्चन नंबर ए सही है। अगला, अधिगम के प्रकार में अभिप्रेरणा है। अधिगम के प्रकार में अगर अभिप्रेरणा की बात करें तो अधिगम के प्रकार में अभिप्रेरणा जो होती है सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है, एक दिशी रूप में सोचने के सीखने वालों को प्रस्तुत करती है, ना सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो सिंपल सी बात ही, अभिप्रेरणा जो है आपके अंदर रुचि का सृजन करती है, जो नहीं सीखना चाहता उसके अंदर भी रुचि का सृजन करती है। तो डी वाला ऑप्शन, ना सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना ही अभिप्रेरणा का कार्य होता है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? तो मैंने आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ाए हैं और वर्गीकरण भी पढ़ाया है, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण की बात करें तो अभिप्रेरणा के वर्गीकरण में आपको जो सही वर्गीकरण इन्होंने दिया है, दैहिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दिया है, दैहिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मतलब डी है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किसने काम किया है? तो आपको पता है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकक्लेलैंड ने दिया था, तो फ्रायड एम जुंग हो नहीं सकते, मैस्लो मैकडुगल होंगे नहीं, मिलर डोलार्ड होंगे नहीं, यहाँ पे कौन होगा? मैकक्लेलैंड एंड एटकिंस होंगे। कौन होगा? मैकक्लेलैंड एंड एटकिंस होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए डियर, अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, संशक्तिशील शिक्षा। संशक्तिशील मतलब हो गया कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, संशक्तिशील। तो संशक्ति का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में केवल शिक्षा की बात करें, यहाँ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में शिक्षा की कोई बात नहीं रह गई, सहयोगात्मक शिक्षा की बात कोई होगी नहीं, पृथक शिक्षा है नहीं। आपको पता है सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे किसका होगा? बी होगा, कि सभी के लिए शिक्षा की बात हम समावेशी शिक्षा में कर सकते हैं। गिलफोर्ड ने, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सभी लोग जानते हैं गिलफोर्ड ने अभिसारी और अपसारी दो चिंतन की बात की है। अभिसारी चिंतन का जो संबंध है वो बुद्धि से है प्रमुख रूप से, और अपसारी का चिंतन का संबंध जो है वो सिद्धांतमकता से है। तो 70 का बी क्वेश्चन सही होगा आंसर। सिद्धांतमकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सिद्धांतमकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, मैंने आपको वीमा के बारे में बताया है, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? देखिए, पहले वाले में पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ है, दूसरे में विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता है, तीसरे वाले में मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण और विस्तार है, और चौथे वाले में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, निरंतरता भी दिया है, लोचनीयता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है, निरंतरता को कहीं कहीं प्रवाह भी लिखता है, तो निरंतरता कहे या फ्लुएंसी कहे या प्रवाह कहे तो सही आंसर है, और मौलिकता तो प्रमुख है, तो 71 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला डी स्टूडेंट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों से संबंधित अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता का मतलब आप जानते हैं कि बालक में अधिगम निर्योग्यता का अर्थ ही होता है कि क्या होना, कोई बालक किसी चीज में काम करने में असमर्थता कर रहा है, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं, वो उस चीज में अधिगम निर्योगी कहलाएगा। तो डिस्फ्रेंजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधित विकार है, डिस्फ्रेंजिया जनरली विकार है, और डिस्प्रेक्सिया जो है वो गतिक कौशल से संबंधित विकार है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी
डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक किसने लिखी है? अगर आप इसकी बात करें तो जेम्स ड्रेवर ने लिखी है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अधिकम निरोगता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया है, किसने किया है? सैमुअल क्रिक ने किया है, तो 74 का सी ऑप्शन सही है। 75 की बात करें तो जब एक शिक्षक विद्यार्थी को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षण का स्तर होगा, ये बहुत ही आसान सा है कि आप बालक की अधिगम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और अधिगम स्रोतों की ओर ले जा रहे हैं, मतलब बालक से आप विचार विमर्श कर रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे सही चिंतन है वो कौन सा स्तर होगा? विमर्श चिंतन स्तर होगा, क्योंकि स्मृति स्तर में केवल आप बालक से क्वेश्चन पूछ के रह जाते, रचनात्मक स्तर में आप क्या करते कि अधिगम की समस्याओं का समाधान आप कर देते, उसके आगे आप बढ़ने की बात नहीं करते, बालक से केवल समस्याओं का समाधान कराते, लेकिन आप बालक की अधिगम की समस्या का समाधान खुद कर रहे हैं। देखिए अवस्थाओं के आधार पर पढ़ाता है और उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करता है, तो आप अगर बालक की समस्या का समाधान करते हुए अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देता, कहता कि बालक से अधिगम समस्याओं का समाधान कराता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता। लेकिन क्योंकि कह रहा है कि बालक शिक्षक खुद अधिगम की समस्या का समाधान कर रहा है और अधिगम स्रोतों को और आगे ले जा रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कौन सा? विमर्श चिंतन स्तर, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो हम बात करें तो छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए। अगले बात करें तो सी ऑप्शन इसका जो दिया है वो दिया है अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए, एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से अज्ञात आप जानते हैं होता है, विशिष्ट से सामान्य भी होता है, सरल से जटिल भी होता है, अंश से पूर्ण नहीं होता, पूर्ण से अंश होता है, आप ये जानते हैं, पूर्ण से अंश होता है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, अंश से पूर्ण ना होकर के ये पूर्ण से अंश होना चाहिए, तो सी यहाँ पे शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, अधिगम को केंद्र बिंदु माना जाता है बालक, तो बालक के हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। तो गुणात्मक परिवर्तन करना है मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, तो बाल केंद्र शिक्षा पद्धति अपनाई जानी चाहिए। अगला है, लिंगुआ फोन उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 79। तो लिंगुआ फोन ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है और क्रियात्मक सामग्री है। तो लिंगुआ फोन श्रव्य सामग्री होती है ना कि श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना दिया है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना दिया गया है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित किया गया एकदम दिया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की बात की गई है, 14 वर्ष के पश्चात के बालकों के लिए बात नहीं की गई है, तो 14 वर्ष पश्चात शिक्षा की बात नहीं की गई है, तो 80 का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। 81 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी शिक्षक को अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगा सकता? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जाएगा, आपदा राहत में लगाया जाएगा, चुनाव संबंध में लगाया जाएगा, लेकिन पल्स पोलियो में ANM की ड्यूटी लगती है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की लग सकती है, लेकिन शिक्षक की नहीं लग सकती, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा जिसमें नहीं लगाया जाएगा। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा क्वेश्चन नंबर 82 विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो फिक्स होगा और वो है मुनरो का है। किसका है? मुनरो का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित होता है, महसूस करें, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और उपयुक्त सभी। जरा जल्दी से आंसर इसका बताएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में बहुभाषा को संसाधन देने के लिए उपरोक्त सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला, RTI की किस धारा के अनुसार छात्रों को आयोग के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश देने की बात की गई है? तो अगर हम बात करें तो RTI की धारा जो छात्रों के लिए ये कार्य करती है वो कार्य कौन सी है? वो धारा 4 है, और वो धारा 4 क्या कहती है कि प्रवेश देना सुरक्षित करना जरूरी है और प्रवेश इसके हिसाब से दिया जाएगा, तो धारा 4 यहाँ पे सही होगा। धारा 4 कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है?
तो NVGL लड़कियों के लिए शुरू की गई एक अलग से व्यवस्था है जो कि हमारी भारत सरकार ने प्रारंभ किया, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। यहाँ पे ई का मतलब एजुकेशन है जबकि दूसरे वाले में दे रखा है एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे सही राइट आंसर जो है वो ए है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अगला इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय से संबंधित कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है, तो गणित और अंग्रेजी के लिए रेमेडियल टीचिंग हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज रेमेडियल टीचिंग, मतलब 86 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक, 1 जून से 31 जून 2006 तक, 1 जनवरी से 31 जुलाई 2006 तक, 1 जुलाई से 20 जुलाई 2006 तक। यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो 1 जनवरी से कोई योजना प्रारंभ नहीं होती, जनरली 1 जुलाई से होगी, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है ILO, आपको याद होगा, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का परिवर्ष जो था 1992 था, और उसका जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उपयोग 1992 में इस परियोजना का उन्मूलन किया गया, मतलब इसका परिवर्तन किया गया इसमें, और इस उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग, अमेरिका का श्रम विभाग, ये सब लगे और इन सभी ने मिल करके इस काम को सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 88 का डी ऑप्शन सही है, और क्वेश्चन नंबर 89 जो है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग पर आधारित है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग, अमेरिका के श्रम विभाग, ये सभी सही होंगे, और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये 30 क्वेश्चन की श्रृंखला लगभग समाप्त कर दी। तो यहाँ पे जो था राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना, ये उपयुक्त सभी का सहयोग करता है, इन सभी के सहयोग से ही वो परियोजना आज संचालित हो रही है, इसमें सभी सहयोग के द्वारा काम हो रहा है। तो 89 का यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक बेस्ड सीरीज़ अवेलेबल कराने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे लक्ष्य अकेडमी परिवार के द्वारा किस प्रदान किए गए इस महत्वपूर्ण वीडियो में, और सारे सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मेरे मनोविज्ञान की श्रृंखला थी, ऐसे ही आपको हर टॉपिक वाइज टीचर अपना अपना वीडियो आपको अपलोड कराएगा। मेरा पूर्णतः सहयोग आपको एक, मैं अपने तरफ से सहयोग दे रहा हूँ, ये मेरा एक निःशुल्क सहयोग है, निःशुल्क प्रयास है जो आपके लिए लक्ष्य अकेडमी परिवार की तरफ से मेरा ये योगदान दिया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला परीक्षा, अगला पेपर आपका और अच्छा हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद।